प्रकरण 93 संत बोरे वाले बाबा और गुरुदेव। सन 1989 की एक दोपहर विराटनगर आश्रम में गुरुदेव अपने कुटीर में भूमि पर लेटे थे। सवासन की विशेष मुद्रा में जब कभी भी आप योग निद्रा ले रहे होते तो यह समझना कठिन हो जाता था कि आप समाधिस्थ हैं या निद्रा में। अंतरंग शिष्य आपकी इस अवस्था में व्यवधान न डालते। ऐसे में जो भी आपके पास जाता आंख मूंद कर स्वयं भी वहीं बैठ जाता। इस प्रकार जब तक आप उस अवस्था में रहते तब तक प्रशांत वातावरण में सभी भक्तगण मौनावलंबन ले अपने अपने तरीके से आपका सानिध्य लाभ लेते रहते। उस दोपहर को भी लगभग एक घंटे के पश्चात जब गुरुदेव ने आंखें खोली तो होठों का कंपन यह बता रहा था कि आप कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं। तभी अचानक आप बाहर की ओर देखते हुए बोले, मैंने देखा कि कोई वैष्णव संत आकाश मार्ग से आश्रम आना चाह रहे हैं, उन्हें अनुकूल वातावरण चाहिए, तुम लोग आश्रम की विशेष सफाई करवाओ। जी गुरुदेव, कहते हुए सभी शिष्य आज्ञा पालन में जुट गए। उधर ध्यानावस्था में दिखने वाले वह फक्कड़ संत जिन्हें सारा पंजाब बोरे वाले बाबा के नाम से जानता था, अपने एक चंडीगढ़ निवासी शिष्य श्री ब्रजलाल के यहां कुछ दिन पूर्व से ही ठहरे हुए थे। ब्रजलाल जी के पुत्र इंद्रजीत गुप्ता गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के लेक्चरर हैं। उन्हें बाबा जी ने दो दिन पूर्व ही कहा था, पिंजौर में घग्घर नदी के पार एक आश्रम है, तुम उसे ढूंढो, वहां जाओ, वहां पर बावरा जी नाम के संत होंगे, उनके पास जाकर प्रार्थना करो कि उनसे एक साधु मिलना चाहता है और कुछ दिन वहां ठहरना चाहते हैं। प्रोफेसर इंद्रजीत पिंजौर के आसपास ढूंढ ढांड कर खाली हाथ वापस चले गए। बाबा जी ने दोबारा भेजा और कहा, घग्गर नदी के किनारे पर वह आश्रम है, तुम फिर जाओ, मिल जाएगा। इंद्रजीत जी अगले दिन ढूंढते हुए प्रातः ही आश्रम पहुंच गए। गुरुदेव प्रतिदिन प्रातः ध्यान मंदिर में 7 से 8 बजे तक अपने शिष्यों को गीता पढ़ाया करते थे। जैसे ही आप पढ़ाने के बाद बाहर आए, इंद्रजीत जी ने प्रणाम किया और बाबा जी का संदेश दिया। गुरुदेव गदगद होकर बोले, हमारा सौभाग्य होगा, इसमें पूछना क्या है, यह आश्रम तो साधुओं के लिए ही है, हमने इसे इसलिए तो बनाया है कि साधक और सिद्ध इसका सेवन कर सके। सायंकाल 4-5 बजे का समय था। अवधूत शिरोमणि गुरुदेव सिद्ध शिरोमणि बाबा जी की भीतर ही भीतर प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके अपने दिव्य परिवार का कोई अपना पहुंचने वाला था। इसी अंतः प्रेरणा के वशीभूत हो गुरुदेव बार बार बाहर की ओर देख रहे थे। भक्तगण हैरान थे कि आप बारंबार बाहर की ओर क्यों देख रहे हैं। तभी अचानक 6 फुट लंबे गुरुदेव बाहर की ओर दौड़े। उधर 6 फुट से भी अधिक लंबे एक दिव्य साधु बाबा सामने से इधर आगे की ओर बढ़ रहे थे। दोनों महापुरुष लगभग दौड़ते हुए से परस्पर मिले और आलिंगनबद्ध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक अद्भुत मिलन धरती पर नहीं अपितु आकाश मंडल में हो रहा हो। और यह लंबे लंबे लगभग एक सी आकृति प्रकृति वाले दो ऋषि इस धरती के नहीं हैं, अपितु किसी अन्य लोक से प्रकट हो गए हो। वहां उपस्थित भक्तों ने भी अवश्य कोई जप तप किया होगा कि उन सबको इस अनुपम झांकी के दर्शन का आनंद मिल रहा था। गुरुदेव प्रेम से बाबा जी को अपनी भुजाओं में लपेटे हुए भीतर ले आए। सिद्ध संत द्वय लकड़ी के तख्त के ऊपर विराजित हो गए और आश्रमवासी बावले हो इधर उधर दौड़ने लगे। कोई शरबत लेने दौड़ा तो कोई गाय का दूध। दोनों फक्कड़ बाबा प्रेम पूरित बंधन में बंधे अपनी बातों में मग्न थे। आश्रमवासी इधर उधर अस्त व्यस्त दौड़ते हुए व्यवस्था करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें केवल मात्र परमात्मा का आश्रय ही पर्याप्त होता है, ऐसे सिद्ध जनों के लिए प्राकृतिक साधनों का सहारा लेते हुए व्यवस्था करना सही में
अव्यवस्थित सा ही हो जाया करता है। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्तगण जो कुछ भी करते हैं, संत जन उसमें से प्रेम और भक्ति भाव को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें अपनी कृपा तथा आशीर्वाद का भागी बना देते हैं। दोनों संत उच्च अवस्था के अलौकिक बाबा थे, विलक्षण एवं अनूठे संत थे। दोनों संतों के प्रेम की प्रगाढ़ता लीला संवरण तक बनी रही। बोरे वाले बाबा जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। 27 मई 1925 को पंजाब के भटिंडा जिले के छोटे से गांव झाड़ू, अब जिला मानसा में आप एक वैभवशाली सिख जमींदार के घर पैदा हुए। बच्चे का नाम मुकुंद रखा गया। गाय चरानी, खेती करने में मस्त मुकुंद ने पूर्व जन्म के विरक्त संस्कारों के कारण मात्र 14-15 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और डेरा करीपुर के उदासीन परंपरा वाले डेरे में जा पहुंचे। उस समय इस डेरे के संचालक उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान पंडित ऋषि राम जी थे। ऋषि राम जी को गुरु रूप में धारण कर बालक मुकुंद ने कठोर तप किया। पंडित ऋषि राम जी ने बालक मुकुंद का नाम महेश मुनि रख दिया। बालक मुकुंद ने शिक्षा के केंद्र काशी में भी गुरु शिष्य परंपरागत विद्याध्ययन किया। इसके पश्चात भारत भर में घूम घूम कर आप भागवत धर्म का प्रचार करते रहे। कठोर तप करते हुए परम विरक्तावस्था में आप चीनी की खाली और मोटी बोरी को ही शरीर पर लपेट लेते। वस्त्र के रूप में केवल मात्र बोरी लपेटने के कारण आप पंजाब में बोरे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक जाट सिख परिवार में जन्म लेने और भागवत धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के कारण आप में इसका मिश्रित संस्कार स्पष्ट लक्षित होता था। पंजाब के गुरुओं की वाणियां सुखमनी साहब, जपू जी साहब आदि सदैव आपके होठों पर रहती और साथ साथ आप श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का अनन्य भक्ति भाव से अवलंबन भी लेते। आप भगवान श्री कृष्ण के अनन्य अनुरागी थे। आपने छंदोबद्ध दोहे लिखे जिन्हें पुस्तकों के रूप में संकलित किया गया। इन्हें पढ़कर आपकी आध्यात्मिक उच्चावस्था और विद्वता का प्रत्यक्ष बोध होता है। बोरे वाले बाबा जी बहुत कर्मठ थे। भारत भर में रात दिन सेवा कार्य करते हुए अपने हजारों सेवकों से कठोर सेवा लेते हुए लगभग 56 बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवाई जिनमें लगभग 1,00,000 गाय शान से रहती है। हर एक गौशाला के नाम 20 एकड़ जमीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और नलकूप की व्यवस्था करवाई जिसमें गायों के लिए चारा पानी आदि की आजीवन व्यवस्था हो सके। इन गौशालाओं को आप स्थानीय भक्तों की कमेटी को सौंप देते और स्वयं विरक्त हो बोरा लपेटे आगे निकल जाते। बाबा जी एक स्थान पर एकाध महीना ही टिकते और फिर गंगा की बहती धारा की तरफ पुण्यकर्मा भक्तों को पावन करने हेतु आगे ही आगे चले जाते। गंगा, गाय, गोपाल, इन तीनों के अतिरिक्त आप न तो किसी की चर्चा करते और न ही किसी को करने देते। 35 साल तक एक बोरा लपेटे, हाथ में एक तुम्बी का कमंडल और पांव में अंगूठे वाली खड़ाओं के अतिरिक्त आप कुछ न रखते। किसी खेत खलिहान में वृक्ष की छाया तले, किसी गौशाला के छप्पर तले या फिर किसी विरक्त पथगामी आश्रम के एकांत कुटीर में आप दिगंबर पड़े रहते। जब मौज आती तो अपनी चिप्पी उठा चल देते। भक्तों और व्यवस्थापकों को कुटीर में चिप्पी की अनुपस्थिति से ही पता चलता कि बाबा जी कहीं चले गए हैं। आप बिना बताए आते और बिना सूचित किए कहीं चले जाते। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो बाबा जी के परम विरक्त और साहसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर फौजी अफसर आपको मोगा से पठानकोट बॉर्डर पर ले गए। जगह जगह फौजी छावनियों में उनका मनोबल ऊंचा करते हुए आप उनके बीच जोशीला प्रवचन करते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी, समर्थ गुरु रामदास जी और आद्याचार्य श्री रामानंद जी की तरह भारत भूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व बलिदान की सीख देते हुए आप फौजियों को अपूर्व शौर्य और ऊर्जा से भरते रहे। युद्ध समाप्त हुआ तो भारत
सरकार ने बाबा जी को विशेष रूप से सम्मानित किया। एक विशाल सम्मान समारोह में बोरी के स्थान पर आपको एक खद्दर का भगवा चोला पहनाया गया। सिद्ध संत बालवत वृत्ति के स्वामी होते हैं। कब वज्र तुल्य कठोर हो जाए और कब कुसुमवत कोमल व करुण हो जाए कुछ कह नहीं सकते। बोरा हो या खद्दर का चोला, पांव में खड़ाऊ हो या नंगे पांव, शिशु की तरह पहनकर आप पूर्ववत परोपकार में ही जुटे रहते। गुरुदेव के साथ प्रथम मिलन में ही बाबा जी ने दोबारा यहां आकर कुछ दिन एकांतवास करने, खेतों और गौशाला की सेवा करने का वचन दिया। बाद में जुलाई 1990 में 1.5 महीना आप विराटनगर आश्रम में रहे और विराटनगर की जमीन को उपजाऊ बनाने में सहायता की। आपकी वाणी सिद्ध थी और कृपा प्रसाद अमोघ। अतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फैले हुए आपके लाखों भक्त आपके मुख से निकले वचन को सत वचन कहकर शीश झुकाते। पंजाब में अनेक मंदिर, गुरुद्वारे, कॉलेज और गौशालाओं का जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण आपकी कर्मठता का ही करिश्मा था। ऐसे विलक्षण संत गुरुदेव की प्रीत डोर से बंधे बारंबार आश्रम आते, कुछ समय यहां विराजते और पुनः बिना बताए अन्यत्र चले जाते। गुरुदेव की भी इनके प्रति इतनी आत्मीयता थी कि इच्छा होती तो इन्हें ढूंढ निकालते और घंटों परस्पर भगवत चर्चा करते। नारी जाति के दर्शन से ही स्वयं को शक्ति से दूर रखने वाले बोरे वाले बाबा गुरुदेव की अनन्य कृपा पात्र सन्यासी देवियों से बहुत ही स्नेह सिक्त भाव से बात करते, उनकी सेवाएं स्वीकार करते और उनकी सात्विकता को जानते हुए उन्हें आदेश देने में भी संकोच नहीं करते थे। 8 फरवरी 2002 को गुरुदेव ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। उसके बाद भी स्वतंत्र स्वभाव के बाबा जी 2005 में विराटनगर आश्रम पधारे। 80 साल से ऊपर के वृद्ध बाबा जी अस्वस्थ शरीर के होते हुए भी पूर्ववत कर्मठ और जुझारू स्वरूप से कार्यरत रहते। आश्रम विराटनगर को अपना ही आश्रम जान आपने यहां गौशाला में काम करवाया, खेतों को समतल करवाया और नया ट्यूब वेल भी लगवाया। इन्हीं दिनों गुरुदेव द्वारा स्थापित विराटनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टर अतुलेश वैद्य भक्ति भाव से आपका इलाज करने लगे। आप सादगी और सरलता से अस्पताल में प्रवेश करते। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गुरुदेव के आदमकद चित्र के पास खड़े हो जाते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते और प्यार से उलाहना देते हुए पंजाबी हिंदी मिश्रित अपनी सहज भाषा में कहते, ओ बरम ऋषि जी, तुसी ताम बरम लोक विच मौजा मार दे हो, आनंद मान दे हो, ते सानू फसा गए इत्थे। कहते कहते आपकी आंखें भर आती। लगभग 2 महीने आश्रम की शोभा बढ़ाने के पश्चात आप अपनी मौज से यहां से चल दिए और कुछ दिन बाद ही आपने लीला संवरण कर ली। आपके आदेशानुसार आपके शरीर को हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार बाबा जी गौ गोपाल और गंगा के अनन्य आराधक थे। आप सिख धर्म और वैदिक सनातन धर्म का अद्भुत मिश्रण लिए हुए थे। अंतिम श्वास तक आप अपने परम आत्मीय बावरा जी महाराज के स्नेह सूत्र में बंधे रहे। अतः ब्रह्मर्षि मिशन परिवार आपको अविस्मरणीय श्रद्धांजलि के रूप में प्रणाम करता है।